हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आज मैं अपना आप लोगों के साथ में स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ विद सनाना, जिसमें कि हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट के साथ में अपना पूरा स्किन केयर कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सनाना ब्रांड के बारे में आपको कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। ये एक इंडियन ब्रांड है जहाँ पर आपको मिलते हैं स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट। इनके सारे प्रोडक्ट नेचुरल एंड हर्बल है एंड फ्री फ्रॉम केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर एंड हेयर केयर ब्रांड है। तो आप इनकी जो वेबसाइट है उसको डेफिनेटली एक बार चेक जरूर करें, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड। यहाँ पे मैं इनकी जो ये वेबसाइट दिखा रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। तो गाइस, चलो फटाफट से हम अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने सनाना से मंगवाए हैं। ये एक क्लींजर पाउडर है, नेक्स्ट ये यहाँ पर एक शॉप है, और लास्ट है ये रोज़ मिस्ट। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए और आप लोगों के साथ में इनके रिजल्ट्स शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये क्लींजर ट्राई करेंगे। तो ये जो क्लींजर है, इसको आप अपने फेस पर और अपनी फुल बॉडी पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे वाला मेरे पास पैक है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ही अच्छी थी, और जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो जिस तरीके से लकड़ी का बुरादा होता है ना, इस तरीके की कुछ इसका टेक्सचर था। आपको इसे सूखी त्वचा पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पहले गीला कर लेना है। आप फेस पर लगा रहे हैं, हाथ पर लगा रहे हैं, तो पहले पानी से उसको वॉश कर ले और हाथों में ले, और बिल्कुल इसमें पानी नहीं मिलाना है ज़्यादा, बस गीले हाथों में आप इसको ले कर जहाँ पर भी आपको इसको अप्लाई करना है वहाँ पर आप हल्के हाथों से मसाज करेंगे। ज़्यादा हार्श एकदम यूनो जैसे स्क्रब करते हैं ऐसे नहीं करेंगे, बस के हाथों से इसको मसाज करेंगे और आपकी स्किन जो बहुत अच्छे से इससे डीप क्लीन होगी, एक्सफोलिएट होगी। तो यहाँ पर मैं अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हैंड पर, मतलब जितना एक पैकेट में आया था वो मेरे फेस, मेरे नेक एरिया, मेरी बैक एरिया एंड मेरे हैंड्स पर, दोनों पर मैंने अप्लाई कर लिया था। तो ये बिल्कुल यू नो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से मिलकर बने हैं, कोई भी केमिकल इनमें यूज़ नहीं हुआ है, तो आपकी स्किन पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं करने वाले हैं ये। तो डायरेक्टली आप बिना पैच टेस्ट किए भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से मैंने यहाँ पर पूरी अपनी स्किन एक्सफोलिएट कर ली है। अब हम इसको अच्छे से पानी से वॉश करके निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये सनाना का शॉप, जो कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, ये ऑयल से मिलकर बना है, इस पर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। थोड़े से मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें शिया बटर है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, आंडमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, गोट मिल्क है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, हनी है एंड डिस्टिल वाटर, दैट्स इट। आप इसके इंग्रेडिएंट भी देख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल भी कोई केमिकल नहीं है, सारे जो इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए ना आप इसको बच्चों के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हम बड़े यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बच्चों के और बड़ों के शॉप्स अलग आते हैं, बट ये इतना नेचुरल है क्योंकि हर्बल है, नेचुरल है, तो आप बच्चों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने इसको अप्लाई किया ना, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं शॉप अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल मक्खन लग रहा था यार, इतना सॉफ्ट लग रहा था। इसके बाद ना मेरी स्किन मुझे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगी ना यार, बहुत ही अच्छा शॉप था, सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे इनका जो शॉप है। तो यहाँ पे हमारा पूरा यू नो क्लीनिंग का प्रोसेस अभी हो गया है, उसके बाद मैं सिंदूर अप्लाई करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हेयर वॉश भी क्योंकि मैंने किए थे, तो मैं नहाने के बाद हमेशा सबसे पहले सिंदूर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद अभी मैं अपनी स्किन पर और कुछ नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बस मैं ये रोज़ मिस्ट फ्रॉम सनाना अप्लाई कर रही हूँ, और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ये कैसा है। तो जब मैंने इसको ओपन किया ना यार, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई, एकदम यू नो अमीरों वाली पैकेजिंग लगी मुझे देख के, बहुत ही अच्छी लगी यार। इनकी बॉटल बहुत प्रीमियम सी थी, और दूसरी मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये हमको एक स्प्रे बॉटल में मिलता है, क्योंकि यार हमेशा ना रोज़ वाटर ना नॉर्मल वैसी वाली बॉटल्स में आता है और हमेशा हमको इसी तरीके से स्प्रे करके उसको लगाना होता है, तो मैं हमेशा ना उसको दूसरी बॉटल में डालती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगी, और यू नो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी कलर एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड नहीं किया है, एकदम नेचुरल इन रोज़ पेटल्स से ही डायरेक्ट बनाया गया है। मतलब ये इतना नेचुरल है कि आप ना इसको अपने खाने में भी डाल सकते हो, अगर आपको यू नो रोज़ का फ्लेवर कुछ चाहिए अपने खाने में। आप लोग भी इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आप देख सकते हैं यार मेरी स्किन भी एकदम यू नो चमकी चमकी हो गई, बहुत ग्लो इसने दे दिया एकदम से।
तो गाइज प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी ताकि आप वहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जाके चेकआउट कर सको। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर न्यू। बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।